एमडी गेट एस्पायरेंट्स, आप लोग अक्सर काफी सवाल करते होते हो कि सर हम कितने एमसीक्यूज करें कि हमारी तैयारी जो है वो बहुत जबरदस्त हो जाए, पक्की हो जाए। मैं हमेशा इसका जवाब देता होता हूँ कि यार देखो, सवाल तो मैं 20,000, 30,000, 40,000 मिल जाएंगे, लेकिन द क्वांटिटी डज नॉट मैटर, द क्वालिटी मैटर्स। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी सवालों की और सवाल करने की, यानी कि सवाल किया, उसमें से गलतियां देखी, उसकी वीकनेस देखी, उसको कवर किया, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। इसका मैं एक छोटा सा सबूत आपको देता हूँ। लाइबा फातिमा, आप सब लोग उसको जानते हैं, ठीक है, इस टाइम पे रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में, उसके मैंने पोर्टल खोला हुआ है और उसको देखते हैं मिलकर। ये लाइबा का पोर्टल है जी, हम अगर देखें तो उसने जो है कोई हज़ारों, 10,000, 20,000 सवाल नहीं किए, सिंपल उसने अगर आप देखें तो 5,000 उसने सवाल किए हैं। टोटल अगर हम देखें 161 क्वेश्चन उसने किए, जिसमें उसका जो है 4,648 उसके ठीक थे, इनकरेक्ट बस इतने से थे। यानी कि उसने जो है कम सवाल किए, लेकिन अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाकर, अच्छी क्वालिटी के साथ अपनी वीकनेसेस को देखा, ठीक है। अगर मैं फर्दर जाऊँ तो बेस्ड ऑन दीज पर्टिकुलर स्टैट्स उसने 184 जो है अपने स्कोर प्रेडिक्टर के ऊपर लेकर गई, तभी उसके फाइनल में आपने देखा 181 मार्क्स है, यानी बिल्कुल इसकी रेंज में थे और उसका आरएमयू में एडमिशन हुआ, ठीक है। और अगर मैं अगर उसके फर्दर अगर स्ट्रेंथ और वीकनेस में अगर मैं जाकर देखूंगा तो स्ट्रेंथ और वीकनेस के अंदर हम देख सकते हैं कि उसे फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री हर चीज़ को जो है ऑलमोस्ट 100% के ऊपर लेगी, और एम टी कैट बायोलॉजी जो है उसके अंदर थोड़ी सी बस कमी रहेगी, सही है। तो यू सी द पॉइंट के भाई 10,000 सवाल, 20,000 सवाल, 40,000 सवाल नहीं करने, डिसेंट लो नंबर। अब देखो 5033 का क्या मतलब हुआ कि भाई पर कोर्स 1,000, 1,200 और पर चैप्टर 100 एमसीक्यूज, बस वो अच्छी तरह से कर लिए, कहानी खत्म।